to build a tree from a single seed, whose leaves reach out to the entire sky. To build a future from a single mind, which reaches out to the entire world. At Indus International University, programs offered are BTech, BCA, MCA, BCA, MCA Integrated, MSc in Maths and Physics, Certificate in Graphic Design with BCA, MCA and BTech CSC, BSc in Hospitality Management, Bachelor's in Business Studies with Advanced Diploma in Banking, Diploma in Insurance Studies, Diploma in Total Quality Management, Certificate in Logistics Management, Certificate in Import and Export, Bachelor's of Commerce with Special Track in Accounting, MBA, MBA Executive, MA English, MPhil English. UGC certification recognized. Indus International University. Creating futures, changing lives. Batu, District Una, Himachal Pradesh. Phone 9318-797-101 or 2 or 3. Website www.iiuedu.in. Email info@iiuedu.in. SMS IIU to 56677. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। सेवन सी हिमाचल आजकल में खबरों का सिलसिला जारी है। जिंदगी भर की गाड़ी कमाई से बनाए घर को गंवाने के बाद एक शख्स ने अपनी जिंदगी को ही समाप्त करने का फैसला ले लिया। जी हां, जंजैहली के संगलवाड़ा में एक शख्स ने फंदा लगाकर इसलिए जान दे दी क्योंकि उसका 4 मंजिला मकान आग में जलकर स्वाहा हो गया था। छत छिनने के बाद पीड़ित परिवार रात को पड़ोसी के घर सोया था। परिवार को चुपचाप छोड़ मुखिया जिलालाल ने गांव से करीब 2 किलोमीटर दूर जाकर एक जंगल में फंदा लगा दिया। परिजनों द्वारा जब उसकी तलाश की गई तो वहां पेड़ में लटका हुआ शव मिला। इस घटना से क्षेत्र के लोग काफी ज्यादा दुखी हैं। जंजैहली के संकलवाड़ा में जिलालाल के मकान में बिजली के शॉर्ट सर्किट होने से आग लगी थी। घर में दोपहर बाद लगी इस आग को बुझाने की परिवार वालों के साथ साथ गांव वालों ने भी पूरी कोशिश की, लेकिन लकड़ी का बना यह 2 मंजिला मकान देखते ही देखते स्वाह हो गया। अपना आशियाना छीनने के बाद पीड़ित परिवार ने पड़ोस के एक घर में शरण ली थी। रात को जब परिवार सोया था तो जियालाल चुपचाप उठा और करीब 2 किलोमीटर दूर एक घने जंगल में जाकर पेड़ में रस्सी का फंदा लगा दिया। सुबह उसको पास ना पाकर पत्नी ने गांव वालों के साथ मिलकर उसकी तलाश शुरू कर दी। काफी देर तक तलाश करने के बाद जंगल में उसका शव एक पेड़ पर रस्सी के सहारे झूलता हुआ मिला। आग लगी उसके घर में। हम पंचायत में हमें फोन किया कि जिधर के घर में आग लगी। जैसे हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ उसका मकान पूरी तरह से खत्म हो चुका था और शायद इसी सदमे से इसने खुदकुशी की होनी। हम चाहते कि सरकार इसे कुछ फौरी दे, कुछ बच्चों के लिए कुछ पैसे कुछ कुछ प्रावधान करे। हमको भी पता था कि जिधर आत्महत्या करने गए। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर इसे पोस्टमार्टम के लिए मंडी अस्पताल भेज दिया है। सुबह करीब 10 बजे हमारे को सूचना मिली कि जियालाल संगलवाड़ा रहने वाला है, इसने जो है आत्महत्या कर ली है। तो मैं अपनी टीम के साथ जो है घटनास्थल पर पहुंचा तो वहां पर जो है मैंने मौके के फोटोग्राफ लिए, लाश का निरीक्षण किया। डेड बॉडी को जो है हमने जड़ चमंडी के लिए पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। बाकी जो है ये इस गाँव के बयान लिखे गए तो हालात मौका के अनुसार जो है फिलहाल मृतक ने जो है यह आत्महत्या जो है अपने पिछले कल इसका घर जल गया था, जिस कारण जो है इस सदमे को सहन कर सका, जिस कारण उसने आत्महत्या की। उधर पीड़िता की पत्नी पर तो मानो दुखों का पहाड़ ही टूट गया। आशियाना तो उसका पहले ही छिन ही गया था, मगर जीवन साथी भी उसे मझधार में छोड़कर चला गया। खेमराज कौशल, 7C हिमाचल आजकल, जंजैहली। चंबा जिला के कीड़ी क्षेत्र में इस बार बारिश ने भारी तबाही मचाई है। इस क्षेत्र की 15 पंचायतों में भूस्खलन से कई घरों और स्कूलों को क्षति पहुंची है। यहां कई बीघा उपजाऊ भूमि भी फसलों सहित बारिश की भेंट चढ़ गई है। क्षेत्र में सड़कें भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं और कई गांवों में पेयजल व बिजली की आपूर्ति भी बुरी तरह से प्रभावित हुई है। क्षेत्र के लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल इस संबंध में जिला परिषद सदस्य राज सिंह की अगुवाई में जिलाधीश सुनील चौधरी से मिला। लोगों ने नुकसान के बारे में जिलाधीश को अवगत करवाया और मांग की कि नुकसान का आंकलन कर उन्हें पूरी सहायता प्रदान की जाए। उपयुक्त महोदय से मिला क्योंकि मेरे जो पिछले दिनों बारिश हुई है बरसात के इस मौसम में तो सारा जो नुकसान हो रहा है वो कीड़ी वाड़ में ज़्यादातर हुआ है, जो कि मेरी 15 पंचायतें पड़ती हैं। तो मैं इस सिलसिले में आज उपयुक्त महोदय से मिला क्योंकि वहाँ पे कानू को पटवारी की टीम भेजी जाए और हर नुकसान का जायजा लिया जाए और उनको उचित मुआवजा भी दिया जाए। ज़्यादातर लोगों को तो घर से भी बाहर रहना पड़ रहा है। आज की डेट में गांव पूरे घर गिर गए हैं
मकान गिरने के कंगार पे हैं, तो मैंने इसलिए ही उपयुक्त महोदय से मिला हूँ और मैंने ये प्रार्थना की है कि जो मुआवजा उनको लोगों को दिया जाए और अच्छी तरह से कानून और टीम उनको वहाँ भेजी जाए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने वाली सिरमौर की बेटी ऋतु नेगी को प्रदेश में कोई भी सम्मान नहीं मिलने का मुद्दा राजनीतिक रंगत लेता जा रहा है। जी हां, कांग्रेस इस मुद्दे को विधानसभा चुनाव में भुनाने की फिराक में है। ऋतु नेगी की कप्तानी में ही सितंबर 2011 को मलेशिया के कुआलालंपुर में जूनियर वर्ग की कबड्डी में भारत को स्वर्ण पदक हासिल हुआ था। इस टीम के सभी खिलाड़ियों को अपने अपने राज्यों में पुरस्कृत किया जा चुका है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में टीम की कप्तान को किसी ने नहीं पूछा। ऋतु के परिवार वालों और गांव वालों में सरकार के प्रति भारी रोष है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने प्रतिभा का लोहा मनवाने वाली सिरमौर की बेटी ऋतु नेगी को प्रदेश सरकार से कोई सम्मान नहीं मिलने का मुद्दा राजनीतिक रंगत लेता जा रहा है। कांग्रेस इस मुद्दे को विधानसभा चुनाव में भुनाने की फिराक में है। शिलाई के विधायक हर्षवर्धन चौहान का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी को अपने ही प्रदेश में सम्मान नहीं मिलना स्पष्ट कर देता है कि भाजपा सरकार खिलाड़ियों को कितना महत्व देती है। उन्होंने कहा कि यह बहुत गंभीर मामला है, कांग्रेस इसे प्रभावशाली ढंग से उठाएगी और ऋतु नेगी को उसका सम्मान दिलाया जाएगा। ऋतु के पिता भवान सिंह नेगी ने भी कहा है कि प्रदेश में उनकी बेटी को उचित सम्मान नहीं दिया गया, ऐसा ठीक नहीं है। इससे ऋतु भी बहुत निराश है। ऋतु नेगी भारत वर्ष की एक उभरती हुई महिला खिलाड़ी है। उसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व किया है, कैप्टनशिप की है और उसके नेतृत्व में भारत ने स्वर्ण पदक जीता है। ऋतु नेगी को हिमाचल सरकार ने अभी तक किसी भी तरह का सम्मान देना उचित नहीं समझा है, जबकि इसके अधीन जो दूसरे खिलाड़ी मलेशिया में खेल रहे थे उन सभी खिलाड़ियों को कैश अवार्ड वहां की सरकारों ने दे दिया है। हिमाचल सरकार से हमारी यह विनती अभी भी है कि हिमाचल सरकार इस उभरती हुई खिलाड़ी का सम्मान करे ताकि इस खिलाड़ी का मनोबल ऊंचा रहे और आगे भी देश और प्रदेश के लिए स्वर्ण पदक जीत सके। ऋतु नेगी जो इंटरनेशनल कबड्डी की प्लेयर है और जिसने जूनियर्स की वर्ल्ड कप में भी अंडर 19 में कप्तानी की गई है, उसको प्रदेश सरकार द्वारा सम्मानित नहीं किया गया है। और कई ऐसे खिलाड़ी जिनकी अचीवमेंट नेशनल लेवल की भी नहीं है, उनको प्रदेश सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है। ये एक अन्याय है जिला सिरमौर के दुर्गम क्षेत्र शिलाई की खिलाड़ी के साथ। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि उसको सम्मानित किया जाए और जो खिलाड़ी हैं उनको सम्मानित करके जो है प्रोत्साहन दिया जाए, वरना अगर इस तरह से भेदभाव किया गया खिलाड़ियों के साथ तो उनका मनोबल जो है वो गिरता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने देश व प्रदेश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को उचित सम्मान देना सरकार का फर्ज बनता है। इस मामले में अनदेखी से खिलाड़ियों का मनोबल भी गिरता है। सतीश शर्मा, 7C हिमाचल आजकल, नाहन। खबरों के इस सफर को यहां पर रोकते हुए अब आपको सुनाते हैं मधुर पहाड़ी गीत। आशा करते हैं कि आपने इस पहाड़ी गीत का खूब लुत्फ उठाया होगा। और अब जाते जाते एक बार फिर नजर डाल लेते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। विधानसभा के मॉनसून सत्र के पहले ही दिन हुआ जोरदार हंगामा। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने चार्जशीट के मुद्दे पर किया वॉकआउट। कांग्रेस में हुए फेरबदल के बाद शिमला में बोले कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कौर सिंह ठाकुर, कहा हाईकमान का आदेश सिर माथे। शिमला नगर निगम की मासिक बैठक में हुआ जोरदार हंगामा। पार्षदों ने किया निगम से वॉकआउट, शहर में विकास कार्य ठप होने के लगाए आरोप।
चंबा जिला के कीड़ी क्षेत्र में बारिश ने मचाई भारी तबाही। कई बीघा उपजाऊ भूमि फसलों सहित बारिश की भेंट चढ़ी। लोगों ने की मुआवजों की मांग। देवभूमि हिमाचल प्रदेश की ज्यादातरीन खबरों को देखने के लिए इसी समय देखते रहिए 7C हिमाचल आजकल। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही है। मुझे यानी कि दीक्षा कोहली को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए 7C के साथ। नमस्कार। इन नजारों की याद आएगी जब ख्यालों में इनको लाओगे, हिमाचल भुला ना पाओगे। हिमाचल आजकल से जुड़ी किसी भी प्रतिक्रिया या सुझाव के लिए संपर्क करें कृष्ण भानु, ठाकुर वाटिका, खलीनी, शिमला 2। फोन नंबर 09816901200, 01772629411। हमारा ईमेल आईडी है हिमाचल आजकल @gmail.com।